हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फोर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16th of December 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सो चैप्टर 5 है आपका, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, तत्वों की आवर्त सारणी। पिछले वर्कशीट में हमने मेंडलीफ की, जिनको आवर्त सारणी का जो है पिता कहा जाता है, उनकी जो आवर्त सारणी थी उनकी विशेषताएँ पढ़ी थी। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की क्या स्थिति है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 जो है वो क्या है, ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है। तो इस तरह से ही क्या है, ये इस तरह से 18 जो है वो ऊर्ध्व स्तंभ हैं, और इसके अंदर 7 जो है वो ऐसे क्षैतिज जो है वो क्या है, पंक्तियाँ हैं। और इन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ये 7 हैं और ये कितने हैं, 18। तो 18 समूह हैं और 7 जो है वो जो है क्या है, आवर्त हैं। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करेगी वो हम अब यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊर्ध्व स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, यानी समूह के बारे में। ऊर्ध्व स्तंभ, यदि हम एक आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं, तो समूह 1 में जो तत्व हैं वो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये समूह 1 के तत्व हैं। समूह 1 के 3 तत्वों को हमने लिया, उनका विन्यास लिखा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, लिथियम की 3, सोडियम की 11, हमने विन्यास लिखा 1 आएगा, 2 और 1, क्योंकि पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8। तो यहाँ पर सोडियम का लिखा हमने 2, 8 और 1, ठीक है। यहाँ पर जब हम इनको इस तरह से देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या समानता नजर आती है, इसी से रिलेटेड प्रश्न 1 दिया गया है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो इनके विन्यास में क्या समानता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन उनको कहा जाता है। जैसे इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरा क्या है, इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो 1 है। हमें अभी देखा तीनों में 1-1 संख्या है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। यानी अगर एक ही समूह है तो उनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या समान है। ये देखिए पहला समूह है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन सब में क्या होंगे, 1 होंगे। अगर हम दूसरे समूह की बात करते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं मैग्नीशियम है, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम देखिए 12, तो इसका अगर हम विन्यास लिखते हैं 2, 8, 2, और इसी तरह कैल्शियम का करते हैं तो 2, 8, 8 और 2। तो ये जो है देखिए, इसमें भी आखिरी कक्ष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यानी ये कौन सा समूह है, ये दूसरा समूह है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर है, वो समूह की संख्या के बराबर है। लेकिन बच्चों ऐसा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समूह की संख्या के बराबर होगी, वो केवल पहले और दूसरे पर ही लागू होती है, ठीक है। यानी पहला समूह है तो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी समूह संख्या के बराबर होगी, और केवल अगर दूसरा समूह है तो। लेकिन अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो समूह की संख्या वो 3 ना होकर 13 होगी, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो समूह की संख्या 1 होगी, 2 है तो 2 होगी। लेकिन अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो समूह की संख्या 13 होगी, ठीक है। 4 है तो 14 होगी, 5 है तो 15 होगी, 6 है तो 16 और 7 है तो 17, 8 है तो 18 जो है समूह की संख्या होगी। ऐसा क्यों होता है, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप आधुनिक आवर्त सारणी देख पा रहे हो, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर है हीलियम क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है,
उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, फिर देखिए 5 नंबर पे जिसका परमाणु संख्या है वो 5 नंबर यहाँ पर रखा गया है, और आप देख पा रहे हो वो समूह कौन सा है, 13वां समूह है, यानी पहला दूसरा दूसरे के बाद हम जो तत्व हैं बीच में, ये देखिए 3 से लेकर 12 तक, ठीक है, 3 से लेकर 12 तक ये बीच में जो है ये रखे गए हैं। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो बोरान है वो यहाँ पर है 13वें समूह में, और 13वें समूह में देखिए बोरान का परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 और 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, परमाणु संख्या होती है 5। अब यहाँ पर 3 इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो इसका समूह जो है वो कितना है, वो कितना होना चाहिए था, वो तीसरा होना चाहिए था, लेकिन तीसरा नहीं होगा। बीच में ये 10 तत्व की लाइन जो है ये अलग से, ये 10 जो समूह है ये बीच में आ गए, इसीलिए 3 में हम 10 जो है प्लस करेंगे और कितना आएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा। इस तरह इनको व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह अगर आप कार्बन देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या है 4, ठीक है, 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखते हैं 6 का तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, तो समूह संख्या कितनी होगी, 4 में आप 10 जोड़ दीजिए, 10 हम इनके लिए जोड़ेंगे, ये बीच में जो आ गए हैं ना 3 से लेकर 12 तक, इनके लिए, ठीक है, तो 10 जोड़ेंगे तो समूह संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो समूह संख्या इसकी 14 है। इस तरह से हम इनकी समूह संख्या को निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, जैसे लिथियम में 2 ही है, सोडियम में 3 हो गए, पोटाशियम में फिर 4 हो गए, यानी ऊपर से नीचे जब भी आएंगे तो जो कोश हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ेगी, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से भी। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए। अब ये लिथियम, ये जो है इनका क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिथियम में 2 जो है कक्ष हैं, बेरिलियम के भी 2 कक्ष हैं, लिथियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 3, 4, बोरोन की 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन क्या है, 10। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो सबके अंदर 2-2 कोश हैं। 2 कोश का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आवर्त संख्या भी कितनी है यहाँ पर, 2 रहेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, देखिए इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है, तो इनके कोशों की संख्या जो है वो समान है। जो किसी भी तत्व की संयोजकता हम निकालते हैं, संयोजकता हम संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान है, तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके कोशों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। इकाई की वृद्धि का मतलब एक एक बढ़ता है। देखिए 2-1, 2-2, 2-3, हर बार एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। साथ में यहां पर आप देख रहे हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितनी है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, बेरिलियम 4, बोरोन 5, 6, 7, 8, 9, 10, परमाणु संख्या भी एक बढ़ रही है, साथ ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी एक एक बढ़ रहा है, 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है ना, हर बार एक बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो कोशों की संख्या है वो हमें किसके बारे में बताएगी, वो हमें आवर्त की संख्या के बारे में बताएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोश 2 है तो आवर्त की संख्या भी 2 है, कोश 3 है तो आवर्त की संख्या भी 3 होगी। अब यहाँ पर देखिए, आद्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी तीसरे आवर्त में स्थित हैं। कैसे पता चला हमें तीसरे आवर्त में हैं? हम यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, 2, 8, 1, कितने कोश हैं इसमें, 3 कोश हैं, तो इसका मतलब आवर्त की संख्या कौन सी हो गई, तीसरी हो गई। अब देखिए तीसरे आवर्त में, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन के और एल और एम कोशों में स्थित हैं, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इनकी पुष्टि जो है हम कर सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए के जो कोश है उसमें देखिए प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं, यानी हम एक तो 2n² से निकाल सकते हैं कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है।
तो पहला जो कोश होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर आप एन की वैल्यू एक रखते हो तो निकलेगी 2, अगर 2 रखते हो तो निकलेगी 8। ठीक है, इस तरह से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, आपने ये 9th में भी किया हुआ है। उसके अलावा देखिए के कोश जो है, जो जिसमें के कोश होता है केवल तत्व में, वो कितने हैं, केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी वो जो है क्या होगा, प्रथम आवर्त होगा। के कोश अगर केवल के कोश तक इलेक्ट्रॉन है तो आवर्त पहला हो गया। अगर आप देखेंगे एल कोश, एल कोश में टोटल कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व हैं, तीसरे में कितने होंगे, 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें आवर्त में भी 32 जो है तत्व यहाँ पर होंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इनके आंसर हम वन बाय वन डिस्कस करके लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो देखिए बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन जो है उसमें वो कौन से हैं, समूह 17 से संबंधित है। तो 17 से संबंधित अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक या दो के ऊपर इलेक्ट्रॉन जैसे 3, 4, 5, 6 अगर बाहरी कोश में उपस्थित है तो उसमें 10 जोड़कर हम जो है निकालते हैं कि उसके समूह की संख्या कितनी है। तो इसमें समूह 17 है तो बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तभी इसका क्या है, समूह जो है वो 17 है। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकन परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13 और 14 हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है तो उत्तर इसमें लिखेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 2, 8, 2, समूह संख्या 2 हो जाएगी और आवर्त संख्या 3। आवर्त संख्या जितने भी कक्ष होते हैं उतनी ही उसकी आवर्त संख्या होती है, तो यहाँ पर 3 कक्ष हैं तो 3 ही क्या है, इसकी आवर्त संख्या है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा एल्यूमिनियम का, इसकी परमाणु संख्या 13 है, 2, 8, 3, आखिरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी समूह संख्या 3 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 13। अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में 1 और 2 हैं तो ही केवल समूह संख्या 1 और 2 होती है। अब इसमें कक्ष 3 है तो आवर्त संख्या 3 हो जाएगी। इसी तरह सिलिकन में देखिए 2, 8, 4 हैं तो आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 में 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 14, तो हमारा जो समूह संख्या है वो 14 होगी और आवर्त संख्या हमारी 3 रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के विन्यास लिखिए और इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे। तो समूह 1 के पहले 3 तत्व कौन से हैं बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये 3 तत्व हैं। ठीक है, समूह 1 के पहले 3 तत्व, उसके बाद हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 1 है तो 1 हो जाएगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 1, परमाणु संख्या 3 है तो 2, 1 रहेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 11 है तो 2, 8, 1 रहेगा। समूह 1 के पहले 3 तत्वों के बाहरी कोश में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार इनकी संयोजकता भी समान है। तो सभी के बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनकी संयोजकता क्या है, इनकी संयोजकता समान है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे और तीसरे आवर्त में बच्चों 8, 8 तत्व होते हैं और चौथे आवर्त में कितने हैं, 18 तत्व हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आपको तत्वों की व्यवस्था की तुलना यहाँ से करनी है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। यहाँ पर ग्रुपों की संख्या केवल 8 है जबकि यहाँ पर ग्रुपों की संख्या 18 है। इसमें देखिए समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया और यहाँ पर क्या है, चूंकि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया गया है अतः समस्थानिकों के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता ही नहीं रही।
और हाइड्रोजन के स्थान की इसमें व्याख्या नहीं की गई। तो इस तरह से आप दोनों की तुलना कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।